नमस्कार, मैं प्रिया। आज हो 13 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 90,500 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 3,741 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,553 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 71, अरवल में 21, औरंगाबाद में 77, बांका में 26, बेगूसराय में 254, भागलपुर में 70, भोजपुर में 95, बक्सर में 85, दरभंगा में 58, पूर्वी चंपारण में 169, गया में 107, गोपालगंज में 61, जमुई में 34, जहानाबाद में 69, कैमूर में 37, कटिहार में 200, खगड़िया में 26, किशनगंज में 47, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 55, मधुबनी में 169, मुंगेर में 52, मुजफ्फरपुर में 160, नालंदा में 52, नवादा में 45, पटना में 529, पूर्णिया में 124, रोहतास में 140, सहरसा में 175, समस्तीपुर में 81, सारण में 148, शेखपुरा में 47, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 81, सिवान में 54, सुपौल में 57, वैशाली में 57, पश्चिमी चंपारण में 86। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 60,068 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 474 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में फॉरेस्ट रेंज अफसरों के पद पर निकाली गई रिक्तियां। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार पुलिस अमर सेवा आयोग ने बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों पर 13 अगस्त से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थियों का आवेदन भरना होगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थी www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर भी आवेदन भर सकते हैं। 15 अगस्त को कोविड-19 योद्धा और प्लाज्मा डोनर को किया जाएगा सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार कोविड-19 योद्धा और प्लाज्मा डोनर को सम्मानित किया जाएगा। गांधी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सभी प्लाज्मा डोनर और कोविड-19 योद्धाओं को विशेष तौर पर आमंत्रण भेज दिया गया है। यहां कोविड-19 वॉरियर्स को सम्मानित भी किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोविड-19 योद्धाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। कोविड-19 की जारी जद्दोजहद में सहयोग कर रहे डॉक्टर, नर्स, ANM, पुलिस, निगम कर्मी, पदाधिकारी और अन्य लोग जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम किया, उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। बिहार पुलिस के अधिकारियों पर कोई भी मामला दर्ज नहीं होने की DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कही बात। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI की जांच को ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे इस मामले की पल पल की जानकारी अभी भी दे रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पहुंचे 5 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किए जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने इस बात पर सफाई देते हुए इसे गलत करार दिया है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुझे फोन पर बताया कि मुंबई में बिहार के किसी पुलिस पदाधिकारी पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, यह मात्र अफवाह है। DGP ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बहुत सम्मान के साथ उनसे बात की है। बिहार में 51 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य की हुई तैनाती। बिहार के 51 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में शिक्षा सेवा के अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के व्याख्याता एवं जिला में पदस्थापित बिहार शिक्षा सेवा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रशिक्षण संस्थान में वित्तीय अधिकार सहित प्रभारी प्राचार्य के रूप में तैनात किया जाता है। बिहार में 4 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। बिहार के 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री का अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए पद सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय जिन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेंगे उसमें किशनगंज SP कुमार आशीष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे, निगरानी इंस्पेक्टर में संजीव कुमार और बेगूसराय जिला में पुलिस अवर निरीक्षक विवेक भारती का नाम शामिल है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए बिहार बोर्ड ने छात्रों को दी राहत। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर के छात्रों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को ग्रेस लेते हुए बोर्ड ने पास कर दिया है। तो वहीं अब एक बार फिर से बिहार बोर्ड ने छात्रों के हित में फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के एडमिशन की तारीख को बढ़ा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बिहार में इंटर के छात्र छात्रा नामांकन लेने वाले हैं, लेकिन इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। अब इंटर में एडमिशन के लिए चयनित छात्र 17 अगस्त तक नामांकन भर सकते हैं।
अब कोविड 19 के इलाज में सरकारी अस्पतालों की नहीं चलेगी मनमानी। पिछले दिनों कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को कोविड 19 जांच करवाने साथ ही इलाज करवाने का आदेश जारी किया था। इतना ही नहीं, सरकार ने इलाज में खर्च होने वाले पैसे का निर्धारण अस्पताल को ही करने को कहा था, जो बाकी इलाज में खर्च होने वाली फीस जैसा ही था। जिसके बाद लगातार खबर सामने आ रही थी कि निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पतालों में फीस सीमा को तय करने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बंगरा घाट पुल का उद्घाटन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगरा घाट पुल का उद्घाटन कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने पुल को जनता को समर्पित किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यह महासेतु गंडक नदी पर 509 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ है। यह सिर्फ लोगों के लिए ही पुल को चालू हो गया है, इससे करीब 800,000 आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें, सारण को चंपारण से जोड़ने वाला 15 मीटर सेतु, इसके निर्माण की राशि खर्च की गई है और इसे बनाने में 6 साल 4 महीने का समय लगा है। आपको बता दें, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5024 करोड़ की 217 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बीते दिन किया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा भारतीय सिनेमा की एक अभिनेत्री हैं, जो कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। नेहा शर्मा का जन्म मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी माउंट कार्मेल स्कूल भागलपुर से पूरी की थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में फैशन डिजाइन की पढ़ाई पूरी की थी। नेहा शर्मा भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में भी प्रशिक्षित है। वहीं नेहा शर्मा की फिल्म करियर की बात करें तो उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी। तब उन्होंने तेलुगु फिल्म चिरुथा में काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 2010 के क्रूप फिल्म से किया था। सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि नेहा शर्मा ने बॉलीवुड में तेरी मेरी कहानी, क्या सुपर कूल है हम, जयंती भाई की लव स्टोरी, यमला पगला दीवाना, यंगिस्तान, हेरा फेरी 3, प्रीति और तुम मिंटू में भी अपना अभिनय दिखाया है। बिहार चुनाव के लिए तैयार किया गया गाइडलाइन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन तैयार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार प्रचार प्रसार के नियमों को लेकर बिहार के सभी सियासी पार्टियों से उनकी राय मांगी गई थी। हालांकि कुछ पार्टी जैसे कि राजद, लोक जनशक्ति पार्टी के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन समय पर करवाया जाएगा। वहीं प्रचार प्रसार के तरीके को लेकर गाइडलाइन तैयार कर ली गई है और अब चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी जारी की जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को दबाने की जा रही है कोशिश। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सामने आए परिवार वालों को बीते दिन किसी ने 9 पन्नों का लेटर भेजा है। परिवार के बारे में और बहनों के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं। पत्र लिखने वालों ने गजल भरे अंदाज में लिखा है कि उसके अलग अंदाज में उन्हें सतर्क रहने की नसीहत दी है। लिखा गया है कि तू इधर उधर की ना बात कर, यह बता कि काफिरा क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। चुनाव रुकवाने के लिए पप्पू यादव खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर की गई पुष्टि के बाद अब विपक्षी दल लगातार विरोध करने में जुट गए हैं, जिसके तहत जा प्रमुख पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के विषय में हस्तक्षेप करे, अन्यथा मैं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक जाऊंगा। जिला परिषद और मुखिया का चुनाव सिर्फ बहाना है, आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को जबरदस्ती करवाने के लिए यह सरकार तानाशाही की सारी सीमाएं तोड़ चुकी है। एनडीए के सहयोगी रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने भी कोविड 19 के चुनाव स्थगित कर बिहार में राष्ट्रपति शासन की वकालत की है। मैं रामविलास पासवान के निर्णय से सहमत हूं। चिराग पासवान के बयान पर ललन सिंह ने कसा तंज। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के द्वारा बिहार में हो रहे जांच को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, जिसके जवाब में लोकसभा से जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड 19 की जांच को लेकर काफी ज्यादा सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोजपा नेता क्या कर रहे हैं, ये वही जाने। कालिदास जी भी जिस जाल पर बैठे थे उसी को काटने में लगे थे। जहां तक कोरोना का प्रश्न है तो आज की तारीख में बिहार में हर रोज 83,000 जांच हो रहे हैं, जिसमें अगले 3 दिन में 1,00,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में ई टेंडरिंग लागू करने का जारी किया आदेश। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन भारत सरकार की तर्ज पर बिहार में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ई टेंडरिंग के 2.0 वर्जन को जल्द ही लागू करने का आदेश किया है, जिसके तहत पाक और चीन को टेंडर में शामिल नहीं होने की अनुमति दी जाएगी। जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि बिहार में ई टेंडरिंग 2.0 वर्जन जल्द लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पथ निर्माण विभाग ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बिहार में भी पाक और चीन की एजेंसियों को टेंडर में शामिल नहीं करने का आदेश जारी किया है।
बिहार सरकार ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर कर्मियों को 50 लाख का बीमा देने का जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड 19 के इस माहौल में लगातार काम कर रहे डॉक्टरों और कर्मियों को भी 50 लाख का बीमा देने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख बीमा का लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे डॉक्टर और कोविड 19 का उपचार कर रहे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कर्मियों को मिलेगा जिसकी अकारण जान कोविड 19 मरीजों के उपचार के दौरान चली जाती है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी बिहार में गोपालगंज, सिवान, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर समेत 20 जिलों में सतर्कता जारी कर दी है। इन जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि राजधानी पटना, गया, नालंदा, नवादा से दूसरे जिलों में रुक रुक कर बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अक्षीय रेखा बिहार के डेहरी के ऊपर से झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ऐसे में पटना सहित बिहार के दूसरे क्षेत्र में हल्की और मध्यम दर्ज के बारिश के आसार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए विपक्षियों पर कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5024 करोड़ रुपए की लागत में 217 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने अपने सरकार की तरफ से 15 साल में किए गए कामों की नई पीढ़ी को परिचित करवाने पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा है कि किसी चीज का आइडिया तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग घर बैठकर सोशल मीडिया पर उल्टा पुल्टा लिखते रहते हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार की नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते नजर आए हैं। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों के हालात हुए बदहाल। बिहार में कोविड 19 के सभी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने भी बिहार के 16 जिलों को अपनी चपेट में ले रखा है। आपदा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके तहत बिहार के 127 प्रखंड में बाढ़ से परेशानी लगातार बरकरार है। बिहार के कुल 1271 पंचायतों के 18,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। सरकार ने 5,47,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर नहीं बनी सहमति। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस बात की पुष्टि की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन में सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को लाए और सबको एकजुट आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के कई खबरें सुनने में आ रही है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि यह खबर गलत है। महागठबंधन में सीट को लेकर अभी कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है। समय आने पर हम लोग तय कर लेंगे कि महागठबंधन में कौन कितने सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाला है। अश्विनी चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लैब लबाइक का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में मोबाइल लैब लबाई का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कोविड 19 के इस माहौल में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए टेलीमेडिसिन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था कराई गई है। इसकी मदद से अब लोगों को घर पर पहुंचाकर लोगों की जांच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने सिद्धार्थ पिठानी को पकड़ने का जारी किया आदेश। सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह ने सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को शातिर करार दिया है। साथ ही मामले में मुख्य संदिग्ध रिया चक्रवर्ती का मददगार बताया है। उन्होंने इसके पहले मंगलवार को कहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की जान ली गई है तो इसकी भी जाँच जरूर हो। आपको बता दें कि बीते 14 जून को मुंबई के अपने फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर अपनी जान ले ली थी। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ थोड़े समय पहले सिद्धार्थ पिठानी मौजूद थे तथा देर रात उससे ही सुशांत की फोन पर अंतिम बात हुई थी। इसलिए सिद्धार्थ पठानी को पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, उसके बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष को दी चुनौती। पथ निर्माण विभाग के 5024 करोड़ की लागत में 217 योजनाओं के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित उद्घाटन शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में बिजली, सड़क, पानी के विकास को लेकर बीते दिन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत बिहार में 15 वर्षों के एनडीए शासनकाल में बिजली, सड़क, पानी का खूब विकास हुआ है। इस बात की पुष्टि उन्होंने की है कि बिजली, सड़क, पानी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो बेहद ही सराहनीय है। विपक्ष में हिम्मत है तो इन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में उठाकर दिखाए। सीएसके टीम की गेंदबाजी कोच एल बालाजी ने सीएसके में उम्रदराज खिलाड़ी को लेकर की टिप्पणी। सीएसके टीम के गेंदबाजी के कोच
एल बालाजी का मानना है कि बेशक चेन्नई सुपर किंग्स के कई खिलाड़ी 30 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं, लेकिन यह उनके लिए फायदेमंद ही है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली इस टीम में सीनियर खिलाड़ियों की तादाद काफी ज्यादा है जिनकी उम्र 30 साल के ऊपर है। खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी 39 साल के हैं, लेकिन टीम के गेंदबाजी कोच एल बालाजी का मानना है कि यह टीम के लिए बहुत ही अच्छा है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि क्या सीनियर खिलाड़ियों को लय में लाने में मुश्किल होगी, तो बालाजी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इतना मुश्किल होगा क्योंकि आपने पूरी जिंदगी यह खेल खेला है, इतने साल से यह खेल को समझते हो, जो सर्वश्रेष्ठ वापसी के लिए काम आएगा। अनुभव निश्चित तौर पर अहम होता है। ट्विटर ने अपने सभी यूजर के लिए रोल किया एक नया फीचर। ट्विटर ने अपने सभी यूजर के लिए एक नए फीचर को रोल किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर काफी समय से महसूस की जा रही जरूरत को ट्विटर ने पूरा कर लिया है, जिसके तहत अब आप हर पोस्ट के साथ डिसाइड कर सकेंगे कि आपको अपने पोस्ट पर पब्लिक रिप्लाई चाहिए या नहीं। यदि आपको लगता है कि किसी पोस्ट पर ट्रोलर्स आपको तंग कर सकते हैं तो आप उन्हें पोस्ट करने से पहले ही रिप्लाई के लिए रोक सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस फीचर का निर्देशन में लोगों को ज्यादा कंट्रोल देने के लिए लाया गया है। ट्विटर की तरफ से इसके लिए प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ईश्वर हरिप्रसाद, रंजीत मेहता, राकेश कुमार, रोहित कुमार, राजू कुमार, रंजीत मेहता, सुंदरम कुमार, सुशील राय, गुलशन कुमार, संतोष कुमार, रीना कुमारी, आलोक गुप्ता, विनीत कुमार, राघव कुमार मुखिया जी, सरिता कुमारी, गौतम अखिलेश शर्मा, रविंद्र पासवान, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के स्वास्थ्य विभाग के कमान को संभालने के बाद कोविड-19 के रोकथाम के लिए की जा रही व्यवस्थाओं में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल नॉनस्टॉप खबरें को आप सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।